गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आदाब नाज़रीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर के लोगों को यकसा समाजी तहफ्फुज़ पर हम करना इंतजामिया की तरजीह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। बैक टू विलेज के तहत यूटी के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी दरबारों का इनेकाद। शुपया में फोर्सेस के साथ झड़प में एक मिलिटेंट हलाक। और ऑल इंडिया ओपन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मैच में हरियाणा की टीम फतह। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि समाज के हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को यकसा समाजी तहफ्फुज पर हम करना और आम इंसान की तर्ज जिंदगी को मजीद बेहतर बनाना इंतजामिया की तरजीहात में शामिल है। जम्मू में आज पेंशनर्स सम्मेलन का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि समाज का हर तबका मरकजी और यूटी सरकार की स्कीमों से मुस्तफीद हो रहा है। उन्होंने आम आदमी को हर सतह पर बाख्तियार बनाने और पसमानदा तबकों की तरक्की के यूटी इंतजामिया के अजम को भी दोहराया। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया तरक्की और खुशहाली के मनसूबे को लेकर आगे बढ़ रही है। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कई फलाही स्कीमों का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल को दवाम बख्शने के लिए कई इकदाम किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई मुस्तकीन में स्कूटी तकसीम की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जम्मू के चेयरमैन राजेंद्र शर्मा और जम्मू के मेयर के अलावा सूबाई व जिला इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे। बैक टू विलेज के पांचवें मरहले के तहत आज सतवारी जम्मू में मुनक्किद हुए एक प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत लोगों की शराकत दारी से इंतजामी मामला चलाने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि तामीर तरक्की के अमल में लोगों की शिरकत यकीनी बनाई जा रही है। एलजी ने कहा कि बैक टू विलेज के इनेकाद का मकसद जम्मू कश्मीर की जामिया तरक्की को यकीनी बनाना है। इस दौरान कुलगाम जिला में भी बैक टू विलेज के तहत कई प्रोग्राम मुनक्किद हुए। जल जीवन मिशन के डायरेक्टर जीएन यतू ने जिला के प्रभारी अफसर की हैसियत से जिला के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने के अलावा कुछ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। डॉक्टर यतू ने कहा कि लोगों के मसाइल हल करने और इंतजामी अमल को लोगों की दहलीज तक पहुंचाने के लिए बैक टू विलेज मौसर प्रोग्राम साबित हुआ है। जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में बैक टू विलेज प्रोग्रामों के इनेकाद की खबरें मौसूल हो रही हैं। बारामूला जिला के उड़ी सब डिवीजन में भी आज बैक टू विलेज के तहत अवामी दरबार मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों ने सरकार की फलाही स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए स्टॉल कायम किए थे। जिला के एडीडीसी ने लोगों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों ने लोगों की तरक्याती जरूरियात अफसरान की नोटिस में लाए। मकानात व शहरी तरक्की के मरकजी वजारत के प्रोग्राम अमृत के तहत जम्मू कश्मीर में अपनी नवियत की पहली मुहिम जल दिवाली 3 रोज तक जारी रहने के बाद आज इख्तिताम पजीर हुई। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस मुहिम के तहत कई प्रोग्राम मुनक्किद हुए, जिनमें खवातीन के 341 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबरान ने शिरकत की। इन प्रोग्रामों के दौरान पानी के मुनसिफाना इस्तेमाल का हल्फ लिया गया और खवातीन से वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना रोल अदा करने की तलकीन की गई। वज़ारत दफा के ज्वाइंट सेक्रेटरी और माविन माली सलाहकार अमिताभ रंजन सिन्हा की सदारत में आज बांडीपुरा जिला इंतजामिया के अफसरान की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। अमिताभ सिन्हा, जो कि बांडीपुरा जिला के सेंट्रल नोडल ऑफिसर भी हैं, ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने कहा कि हुकूमत ने हमारा संकल्प विकसित भारत प्रोग्राम के मुस्तकीन को तरबियत देने के लिए गुरेज ब्लॉक का इंतखाब किया है। उन्होंने कहा कि 15 से 26 नवम्बर तक होने वाले इस यात्रा के दौरान दीगर कई प्रोग्राम भी मुनक्किद होंगे। दुसू पांपोर में वाका इंडियन इंटरनेशनल कश्मीर जैफरॉन ट्रेडिंग सेंटर में आज बायर सेलर मीट का एहतमाम हुआ। इस प्रोग्राम का इनेकाद सनअत व हरफत की मरकजी वजारत के स्पाइस बोर्ड ने जम्मू कश्मीर के महकमे ज़राअत के इश्तराक से किया था। प्रोग्राम का इफ्तिताह स्पाइस बोर्ड के डायरेक्टर मार्केटिंग बी एन झा ने किया। उन्होंने जैफरॉन की काश्त और मार्केटिंग को फरोग देने के लिए किए जा रहे कई इकदाम का जिक्र किया। प्रोग्राम में माहिरीन ज़राअत के अलावा जैफरॉन की सनअत से वाबस्ता कई अफराद ने शिरकत की।
सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरिया ने आज आसार शरीफ जनाब साहब सोबरा पर हाजिरी देकर वहां आने वाले जायरीन के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जनाब साहब की मस्जिद तमद्दुनी अहमियत की हामिल है और इसकी तजदीद नौ के लिए इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह मामला वक्फ बोर्ड के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने वजूखाने की तजदीद के लिए मौके पर ही अहकाम दिए। मकामी लोगों ने अपने मुतालबात और मसाइल सूबाई कमिश्नर की नोटिस में लाए। शुपियां के कठुहालन इलाके में आज सुब सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के माबैन एक झड़प हुई जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त शुपियां के रहने वाले मैसर अहमद डार के बतौर हुई है। बताया जा रहा है कि मैसर अहमद ने हाल ही में ममनुआ मिलिटेंट तंजीम TRF में शमूलियत इख्तियार की थी। झड़प की जगह से हथियार और गोली बारूद बरामद किए गए हैं। आखिरी इतला मिलने तक इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स की बिलाइश्तियाल फायरिंग में मारे गए BSF अहलकार लाल फार्म केमा को खराज पेश किया। LG ने कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए जान देने वालों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हुमहामा तरबियाती सेंटर में आज रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड हुई। इस मौके पर BSF के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल मेहमान खसूसी थे। उन्होंने पास आउट होने वाले रिक्रूट्स को मुबारकबाद दी और इनसे तलकीन की कि वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अपने आप को वक्फ करें। DG ने तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स में मेडल तकसीम किए। 2024 में करगिल जंग की फतह के 25 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से भारतीय फौज मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है। बैटल ऑफ माइंड मौजू के तहत मुनक्किदा क्विज प्रोग्राम के लिए मुल्क भर के 32,441 स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन करवाई जिनमें से 3,200 स्कूलों ने दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किया। ऑनलाइन मोड पर हुए इस क्विज में सिर्फ 216 स्कूलों ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई जिनमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 19 स्कूल भी शामिल हैं। बादामी बाग के फौजी छावनी में वाका चिनार ऑडिटोरियम में आज 19 स्कूलों के दरमियान सेमीफाइनल के लिए सख्त मुकाबला हुआ। 19 में से 6 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। ये मुकाबला कल होगा। कुपवाड़ा के टेटवाल सेक्टर में LOC के करीब 104 फुट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया जाएगा। तिरंगा लहराने की रस्म के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। फौज ने कहा है कि मकामी लोग झंडा लहराने की रस्म का बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं और ये सयाहों की दिलचस्पी का बास भी बनेगा। बांडीपुरा में आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद के अलावा दीगर कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की। अपनी तकरीर में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का सियासी मंजरनामा बदल गया है और अवामी हुकूमत न होने की वजह से यहां के लोग मुश्किल में मुबतला हुए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान बेरोजगारी के नतीजे में जहनी इंतशार का शिकार हुए हैं। आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की और नौजवानों की खुशहाली के लिए इनकी पार्टी अपने तमाम वसाइल बरोए कार लाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर जिला के कारकुनों का एक इजलास आज मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत पार्टी लीडर पीर आफाक अहमद ने की। इजलास के दौरान लोगों को दरपेश मसाइल जेर बहस लाए गए जबकि लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर वोटर फहरिस्तों की नजरसानी पर भी तबादला ख्याल हुआ। पार्टी लीडरों ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया की गलत पॉलिसियों की वजह से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि इनकी जमात जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक की बहाली के लिए काम करती रहेगी। कुलगाम में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सरकार ने गलत पॉलिसियां अपनाकर यहां के लोगों को मुश्किलात में मुब्तला किया है। इजलास से दीगर कई लीडरों ने भी खिताब किया। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO अथर आमिर खान ने आज कई अफसरों के हमरा शहरी खास के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। कमिश्नर मौसूफ ने शहरी खास में जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तमाम कामों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। कृषि विज्ञान केंद्र श्रीनगर और होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के बाहमी इश्तराक से आज श्रीनगर में एक सिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें दोनों इदारों के माहिरीन और तालिबे इल्मों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल काजी शब्बीर अहमद ने कहा कि असर हाजिर में हुनरमंदी की अहमियत बढ़ गई है। उन्होंने महकमा ज़राअत के इश्तराक से ज्यादा तरबियती प्रोग्रामों के इनेकाद पर जोर दिया। कृषि विज्ञान केंद्र से वाबस्ता माहिरीन ने तालिबे इल्मों को मुख्तलिफ पौधों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
वर्ल्ड रेडियोलॉजी वीक के सिलसिले में आज जीएमसी अनंतनाग में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें इस शोबे से वाबस्ता डॉक्टरों के अलावा दीगर कई तिबी माहिरीन ने शिरकत की। रेडियोलॉजी शोबे के सरबराह डॉक्टर साइका शफी ने इस शोबे में जीएमसी अनंतनाग की हुसूलियाबियों का खाका पेश किया। इस मौके पर फादर ऑफ रेडियोलॉजी विल्हेम कोलांट की तस्वीर की निकाब कुशाई भी की गई। शायर मशरक डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के 146वें यौम पैदाइश के मौके पर जमीतुल हमदानी के सरबराह मीर वाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम के जरिए खुदाशनासी और खुद शनासी के तस्वुर को उजागर किया है और इनका कलाम इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज है। यौम इकबाल के सिलसिले में आज अंजुमनी उर्दू सहाफत के एहतमाम से एक सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें कई सहाफियों ने शिरकत की। सेमिनार में बोलते हुए सीनियर सहाफी यूसुफ जमील ने कहा कि उर्दू जम्मू व कश्मीर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है और उर्दू सहाफत के दमखम को बरकरार रखने के लिए सहाफियों को जदीद तर्ज अमल अपनाना चाहिए। सेमिनार में प्रोफेसर नासर मिर्जा और रियाज मसरूर के अलावा दीगर कई सहाफी भी मौजूद थे। मराज अदबी संगम और वुमेन्स कॉलेज अनंतनाग के मुश्तरक एहतमाम से आज अनंतनाग में एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर मौजूद अदीबों और दानिश्वरों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तहजीब और तमद्दुन के तहफ्फुज़ के लिए मादरी जबान का तहफ्फुज़ और फरोग अहमियत का हामिल है। मुकर्ररीन ने कहा कि कश्मीरी जबान में तख्लीकारी के अमल में मकामी तौर इस्तेमाल किए जाने वाले लब व लहजे का ख्याल रखा जाना चाहिए। तकरीब पर 5 किताबों की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। कश्मीर न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि कुर्रे अर्ज का ये खत्ता अपने मौसमों के लिए भी जाना जाता है। वादी में आज कल खिजां का मौसम है, ये मौसम काफी खूबसूरत रहता है और कश्मीर के अतराफ व अकनाफ में मशहूर कुल नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस मौसम में ठंडी हवाएं चलती हैं, दरख्तों के पत्तों का रंग तब्दील होता है। खिजां के मौसम में दर्ज हरारत में हर गुजरते दिन के साथ कमी वाका होती है। इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए कई सयाह वादी की सैर पर आते हैं। निशात ब्रेन और इससे मुलहक इलाकों के बाशिंदों ने शिकायत की है कि इस इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी के नतीजे में लोगों खसूसर मुलाजमीन को सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगरचे इलाके में ई बस सर्विस शुरू की गई है, ताहम सुबह के अवकात में इस बस के गैर मुनजम सर्विस लोगों के लिए सोहान रूह बन गई है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि मुलाजमीन की सहूलियत के लिए इस बस सर्विस की सुबह 9 बजे से दस्तियाबी यकीनी बनानी जानी चाहिए। इधर इलाहीबाग 90 फिट रोड और सोवरा के बाशिंदों ने भी इलाके में ई बस सर्विस की शुरुआत का मुतालबा किया है। कश्मीर हॉकी एकेडमी के अहतमाम से मुनक्किदा ऑल इंडिया ओपन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच आज हॉकी टर्फ पोलो ग्राउंड श्रीनगर में खेला गया। फाइनल मुकाबले बड़ा खालिसा हरियाणा और सहारा वॉरियर्स जम्मू की टीमों के दरमियान खेला गया। हरियाणा की टीम ने 0 के मुकाबले में 7 गोलों से टूर्नामेंट अपने नाम किया। इस मौके पर खेल शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि फौज की 31 सब एरिया के GOC मेजर जनरल PBS लांबा मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फ होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 27 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DDNewsSrinagar फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज। बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक। अल्ट्राटेक, इंडिया नंबर वन सीमेंट। रोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
मुझे कार्पेट और रग्स बहुत ही पसंद है। ये मैट कितना सुंदर है। अरे बागवानी चीजें तो अपने टेरेस गार्डन के लिए परफेक्ट हैं। और यहाँ तो वर्टिकल गार्डन स्काई गार्डन बनाने का भी सामान है। अपने घर को इको फ्रेंडली दुनिया बनाते हैं भारत सरकार के कॉयर बोर्ड शोरूम से मिल रहे कॉयर प्रोडक्ट से। कॉयर, प्रकृति की देन। कॉयर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। रिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है।